अगर आपने अब तक विनर स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मिलते रहे आपको वीडियो अपडेट सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका विनर स्टडी में। फ्रेंड, हमारा आधुनिक भारत शुरू है और इसमें हम भारत के गवर्नर जनरल देख चुके हैं, अभी हम वाइसराय देख रहे हैं और लॉर्ड रिपन तक के हमने वाइसराय के बारे में पढ़ा है। आज हम इसके आगे के वाइसराय के बारे में देखेंगे। तो पहले है लॉर्ड डफरिन, 1884 से 1888 इनका कालखंड है। इनके इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 तक। तो इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और बर्मा को जो है उत्तरी बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन ये आता है कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उस समय कौन से वायसराय थे। तो लॉर्ड डफरिन के कालखंड में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1825 को। AO Hume के द्वारा ये बनाया गया था और इसके बारे में हम अच्छे से इसकी स्थापना क्यों हुई थी, क्या ऐसे कारण आए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और कहाँ पे फिर इनके सभा बैठी और कितने सदस्य थे और जो जो क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर, हम वो सब निकाल के एक वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊंगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर, जो कि इसी वीडियो के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में वो मिलेगा। तो इसमें सिर्फ आपको ये याद रखिए कि लॉर्ड डफरिन के कालखंड में ही 28 दिसंबर 1885 को AO Hume के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। साथ ही 1885 में बंगाल लगान कानून एक्ट पास हुआ था, इसे टेनेंसी एक्ट भी कहा जाता है। फिर बाद में ये 1886 में अवध में और 1887 में पंजाब में भी लागू कर दिया गया था। इसके अंदर क्या था कि किसानों को अब भूमि की सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी, तो ये किसानों के हित में था और ये न्यायुक्त लगान निर्धारित किया गया था। अब यहाँ से जमींदारों से ये हक छीन लिया गया था कि किसानों को जमीन से बेदखल किया जाए, ये हक अब जमींदारों से छीन लिया गया था। यानी अब किसानों को जमीन से, उनकी जो जमीन थी उससे बेदखल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 1885 में लेडी डफरिन नाम का एक फंड भी बनाया गया था। इस फंड में स्त्रियों की रक्षा के लिए, यानी स्त्रियों के हित के लिए ये फंड एकत्रित किया गया था 1885 में। लेडी डफरिन फंड, ये आपको याद रखना है। और डफरिन के कालखंड में ही लड़कियों की, उनकी शादी की उम्र 12 वर्ष होना चाहिए, ऐसा कायदा यानी ऐसा कानून बनाया गया था, तो आपको ये भी याद रखना है। लॉर्ड डफरिन के बाद आते हैं लॉर्ड लेंसडाउन, 1888 से 1894। लॉर्ड लेंसडाउन के समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो ड्यूरंड रेखा है, अभी वो पाकिस्तान के बीच में है, क्योंकि पहले भारत में ही पाकिस्तान था तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। तो ये ड्यूरंड रेखा लॉर्ड लेंसडाउन के समय खींची गई थी। इसमें क्या हुआ था कि अफगानिस्तान और अंग्रेज़ों के बीच में हमेशा वाद रहता था और अफगानिस्तान के जो आमिर थे अब्दुल रहमान, उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए अंग्रेज लोग जो है 1892 में सर मार्टिनर डूरंड को अफगानिस्तान भेजते हैं राजपूत के तौर पे, यानी ब्रिटिश के ओर से एक राजदूत के रूप में उन्हें भेजा जाता है। वहाँ पे डूरंड बहुत अच्छे से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाते हैं अफगानिस्तान के आमिर के साथ, और यानी 1893 को संबंध बना के वो डूरंड रेखा खिंचवाते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच में। तो आपको याद रखना है भारत और अफगानिस्तान ड्यूरंड रेखा कब खींची गई थी, तो लॉर्ड लेंसडाउन के कालखंड में, ठीक है। इसके अलावा 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। पहला कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ था आपको ये भी याद रखना है, 1881 में लॉर्ड रिपन के कालखंड में, आपको याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में ही हमने देखा था, ठीक है। तो इसमें क्या क्या था, तो इसमें सबसे दो चीज़ इसकी सबसे महत्वपूर्ण थी
कि एक तो स्त्रियों के जो काम करने का समय है वो 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक नहीं होना चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगाया गया था, और दूसरा साप्ताहिक छुट्टी यानी सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था इसी अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि रविवार की छुट्टी किस गवर्नर किस वायसराय के समय से शुरू हुई, या फिर सप्ताह में एक दिन छुट्टी ये किस वायसराय के समय से शुरू की गई, तो लॉर्ड लेंसडाउन के समय से। हाँ, और एक चीज, 1893 को लोकमान्य तिलक ने गणपति उत्सव की भी शुरुआत की थी, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है आपसे कि शिवाजी जयंती की शुरुआत कब और किसने की थी, तो आपको वो पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। इसके बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कालखंड है 1894 से 1899। इनके कालखंड में बहुत ही भयानक अकाल आया था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, और इन्होंने अकाल आयोग की स्थापना की थी जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में। तो अकाल आयोग का नाम और उनके अध्यक्ष और किस वायसराय के समय आया, तो वो भी आपको याद रखना है। इसके पहले वाले जो वीडियो था उसमें मैंने जितने भी आयोग बनाए हैं, अकाल आयोग हो, शिक्षा आयोग हो, उसके बारे में बताया है, और वो वीडियो आप देख लीजिए तो उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इन्होंने बंगाल, मुंबई और मद्रास प्रांत में स्वतंत्र सेनापतियों की नियुक्ति की थी। इसके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कालखंड 1899 से 1905 था, और इनके समय में बहुत सारे आयोग बने, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। 1899 में इन्होंने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रण अधिनियम पारित किया था। इसके बाद इन्होंने अकाल आयोग की स्थापना की थी जिसके अध्यक्ष थे सर एंटनी मैकडोनल्ड 1899 से 1900 के बीच में इस आयोग की स्थापना की थी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने 1901 को सर कॉलिन स्कॉट मानक्रिफ्ट के अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, तो सिंचाई आयोग हो गया, अकाल आयोग हो गया। इसके बाद इन्होंने पुलिस सुधार के कुछ काम किए, जैसे कि सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में इन्होंने पुलिस आयोग की स्थापना की थी 1902 में। तो इस पुलिस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की और उसमें कहा कि जो ये विभाग है बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो गया है, अत्याचारी हो गया है। तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे कि इनके वेतन बढ़ा दिए जाए, क्योंकि ये पैसों के लिए ये सब कर रहे हैं, तो इनका वेतन बढ़ा दिया जाए, इनको अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए, और केंद्रीय गुप्तचर विभाग की एक स्थापना की जाए। तो इस तरीके से ये था पुलिस विभाग में सुधार, और पुलिस आयोग की अध्यक्षता जो थे, अध्यक्ष जो थे वो थे एंड्रयू फ्रेजर। इसके अलावा सैनिक सुधार में इन्होंने सेनापति किचनर के सहयोग से सेना का फिर से पुनर्गठन किया था, और सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए क्वेटा में कॉलेज बनाया था, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद इन्होंने शिक्षा के इसमें क्या सुधार किए, तो इन्होंने 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी, और ये आयोग ने जो है 1904 अधिनियम पारित हुआ, और विश्वविद्यालय से संबंधित बहुत सारे शिक्षा में सुधार किए गए, सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया गया, गैर सरकारी कॉलेज को, विश्वविद्यालय को सरकार में से जुड़ना अब कठिन करवा दिया गया, बहुत सारे भ्रष्टाचार रोके गए, तो ये शिक्षा में इन्होंने सुधार किए। इसके अलावा इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भारतीय पुरातत्व विभाग, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इस विभाग में कोई कार्य नहीं किया था, तो 1904 में किया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, इसमें ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा करना, उनकी मरम्मत करना, और यानी ऐतिहासिक इमारतों के बारे में ध्यान देना इस अधिनियम में कहा गया था, तो आपको याद रखना है प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 किन केस में किया गया था, लॉर्ड कर्जन केस में किया गया था।
इसके अलावा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस इनके समय क्या हुआ था, तो 1905 को बंगाल का विभाजन इन्हीं के समय हुआ था। इन्होंने कहा था कि बंगाल बहुत बड़ा प्रदेश है और इसमें हमें शासन करने में, व्यवस्था करने में असुविधा हो रही है, प्रशासनिक कार्य करने में, तो हमें उसके दो टुकड़े करने हैं, पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल। तो लेकिन इसके पीछे का मेन हेतु उनका क्या था, तो हिंदू मुस्लिम मतभेद निर्माण करना, और इसके बारे में बहुत सारे विरोध किया गया। तो ये बंगाल विभाजन कब शुरू किया गया, तो 16 अक्टूबर 1905, ये डेट आपको याद रखना है। कब, किनके किनके कालखंड में किया गया, किसने किया, तो लॉर्ड कर्जन ने किया। और इनके विरोध में 1911 में घोषणा की गई कि अब बंद कर देंगे, और 1912 में बंगाल विभाजन बंद कर दिया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। और ये जो बंगाल विभाजन की संकल्पना है, ये 1896 में लॉर्ड विलियम वार्ड ने दी थी, तो आपको ये भी याद रखना है। और ये जो कर्जन है, जिस तरीके से हमने जब मुगल कालीन इतिहास देखा था, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर हमारे हिसाब से कह सके कि विलन कौन था, तो वो थे औरंगजेब, है ना। बहुत सारे उन्होंने ऐसे काम किए थे जो अच्छे नहीं थे। तो उसी तरीके से लोकमान्य तिलक ने कर्जन की तुलना जो है औरंगजेब से की थी। तो आपको ये याद रखना है कि कर्जन की तुलना किससे की गई, तो औरंगजेब से की गई। किसने की थी, तो लोकमान्य तिलक ने की थी। और लॉर्ड कर्जन के काल को ब्रिटिश सत्ता का रास, यानी ब्रिटिश सत्ता कम ख़त्म होने का मुख्य कारण भी कहा जाता है, तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है। इन्हीं के समय कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था, तो ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिए। तो लॉर्ड कर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1899 से 1905 का इनका कालखंड था। आयोग के नाम आपको याद ही रखना है, सिंचाई के लिए कौन सी आयोग बनाया गया था, तो मानक्रिफ आयोग। और पुलिस आयोग के लिए किसका आयोग बनाया गया, किसकी अध्यक्षता में आयोग बनाया गया था, तो एंड्रयू फ्रेजर। थॉमस रेले विश्वविद्यालय से संबंधित थे। अकाल के लिए एंटनी मैकडोनॉल थे। तो ये सारे आपको याद रखना है, अकाल और कौन कौन से इन्होंने काम किए थे, और 1905 का बंगाल विभाजन भी आपको याद रखना था। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।